मेरा नाम स्नेहप्रभा परनामी है। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, काफी लंबे टाइम से कर रही थी, पर जब ऐसा देखते थे कि भाई जो बाजार में सब्जी आ रही है, नालों वगैरह से आती है, तो हम चाह रहे थे कि कोई इस तरह का साधन मिल जाए। तो जैसे ही हमें पता लगा कि छत पे हम सब्जियां उगा सकते हैं, तो हमने कॉन्टेक्ट किया और फिर हमने ये लगाया है। तो सितंबर में जब हमने लगाया था, तब तो टमाटर हमने खूब खाए, टमाटर खाए भी और पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को बांटे भी, इतने टमाटर हुए थे। शिमला मिर्च भी बहुत अच्छी हुई, और ब्रोकली तो जो उस समय हुई थी वो आज भी हमने फ्रीजर में फ्रीज करके रखी हुई है, अभी भी पड़ी है वो। और धनिया, मेथी, पालक सब बहुत अच्छे से खाया। और अभी उसके बाद ये लगाए हैं लौकी, तुरई, भिंडी, और ये भी हम खूब खा रहे हैं। तो लौकी तो इतनी ज़्यादा हुई है कि हमने ये भी बांटी है और मिर्ची भी खूब हो रही है, आप देखेंगे तो इतनी प्यारी हरी लाइट ग्रीन कलर की बहुत ही प्यारी मिर्ची है। और तुरई भी हमने बहुत खाई, अभी वापस से फूल आए हुए हैं, अभी फिर वापस और लग जाएगी। तो मतलब हरी सब्जियों की तो अति हो गई धनिया, पुदीना, बैंगन, अभी ग्वारफली भी लगाई है, तो और चेरी टमाटर भी वो खूब खाए। रोज सुबह हम लोग ऊपर आते हैं माँ बेटी, और फिर हम लोग इन सारे प्लांट्स को देखते हैं, कहाँ कौन सा फूल आ गया, क्या हुआ, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर साथ साथ जो छोटा मोटा काम करना होता है, जो सब्जी बन गई होती है उसको तोड़ लेते हैं। तो जैसा जैसा हमें इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए कि ऐसे ऐसे हो सकता है, वो सबसे, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत आसान है। सवेरे आधा घंटा हम देते हैं, शाम को तो हम इनको देखने आ जाते हैं बस। और अगर कोई अच्छी सी चीज़ निकली हुई है तो हम उसको तोड़ना है तो पक नहीं जाए तो वो लेके जाते हैं। बाकी धनिया, पुदीना, पालक सब अभी भी चल रहा है हमारा, पर ज़्यादा जो है वो तुरई और लौकी और भिंडी ही आ रही है। हमने लगाई ही थी, हमारे पास जो जगह थी, अगर और जगह होती तो हम और बहुत सारी सब्जियाँ लगा लेते, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इसमें कोई मेहनत नहीं है ज़्यादा पानी नहीं लगता है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, छोटी मोटी आती हैं भाई कोई कीड़ा लग गया या कुछ। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक छत पर इस तरह से गार्डनिंग की जाए, सब्जियाँ लगाई जाए, ताकि हम बिल्कुल प्योर चीज़ खा सकें। हमें और ऑर्गेनिक कि सभी लोग डिमांड करते हैं आजकल, तो ऑर्गेनिक सब्जियां अगर हमें मिल जाती हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो एक तो ये मन को खुशी देता है, और दूसरा ये ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाती हैं तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं, और कोई मेहनत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हर एक को मैं तो कहूँगी कि हर छत पर ये हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा।